कटनी जिले के बहोरी बंद में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश आंदोलन के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। इसी के चलते कटनी जिले के बहोरी बंद में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश आंदोलन के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान संभालने का आह्वान किया है। जनता परेशान है, सरकार वादे कर रही है, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं और जनता के पास कुछ नहीं पहुँच रहा है। इस जनाक्रोश के माध्यम से हम लोगों ने जनता ने बताया कि आपकी जो घोषणाएं हमारे तक पहुंच रही हैं, पीने का पानी नहीं, लाइट नहीं है, ये रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताया जा रहा है कि हम परेशान हैं और आपकी घोषणाएं झूठी हैं। विकास यात्रा सरकार चला रही है? वो विकास यात्रा नहीं है, वो झूठ यात्रा है, वो सिर्फ घोषणाओं की यात्रा है। उसका जमीन पर कोई सरोकार नहीं है। जो केंद्र की योजनाएँ हैं, जो पहले का काम है, उनको दिखा रहे हैं, गलत बात है। यहाँ पे कोई कारण नहीं हुआ है। पठार में और पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या है। यहाँ लाल पत्थर है, यहाँ जो स्ट्रेटा है उसमें पानी नीचे मिलता है। जब तक बाहर से पानी ला कर यहाँ दिया नहीं जाएगा, तब तक यहाँ काम नहीं हो पाएगा। कोई रोजगारी नहीं है, जब खेती भी नहीं बचेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? बाहर मजदूरी करने तो जाएगा, इसलिए हमारे आदमी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। नीतियों में गलती है और क्रियान्वयन में गलती है। ना नीति यहाँ के लायक बनी है, बड़े शहरों के लायक नीतियाँ बन रही हैं, यहाँ के लायक नीतियाँ नहीं बन रही हैं। और दूसरा, किसान के मजदूर के हिसाब से सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।